हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह प्रदोष व्रत यदि सोमवार के दिन हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए यह व्रत बेहद खास होता है। इस दिन कुछ खास चीज़ें भगवान शिव को अर्पित कर आप अपने किस्मत के बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि सोम प्रदोष व्रत के प्रभाव से संतान सुख का लाभ मिलता है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। इस बार साल का पहला सोम प्रदोष व्रत 20 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव को जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करना भी बेहद शुभकारी होता है। इस दिन भगवान शिव को जल और दूध की धारा से अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें पंचामृत भी अर्पित करना चाहिए। सोम प्रदोष इस बार 20 तारीख को पड़ रहा है और यह बड़ा उत्तम दिन है और इस वर्ष का हम प्रथम यह सोम प्रदोष है। तो देखिए, दो प्रदोष होते हैं, एक शनि प्रदोष होता है और एक सोम प्रदोष होता है। ये दोनों प्रदोष जो है संतान के लिए होती है, संतान की वृद्धि के लिए होती है। माताएं इन दोनों प्रदोषों का व्रत जो है आप अपने संतान की शुभता की कामना के लिए करती हैं। इन प्रदोष का व्रत करने से संतान स्वस्थ रहती है, चिरंजीवी रहते हैं, उनको कोई कष्ट बाधा नहीं होता है। यदि किसी को संतान नहीं हो रहा है, यदि वह शनि प्रदोष या सोम प्रदोष से अगर एक वर्ष तक लगातार अगर वह व्रत उठा करके करता है तो निसंदेह उसको संतान उत्पन्न होने की संपूर्ण संभावना उत्पन्न होती है शास्त्र के आधार पर। इसलिए सोम प्रदोष की महत्ता बहुत अच्छी और उत्तरोत्तर मानी गई है। अब इसमें क्या पूजन करें, इसमें विशेष करके सोम प्रदोष में जो है भगवान शंकर और पार्वती का जो है पूजन, उमा महेश्वराभ्याम नमः, उमा महेश्वर का पूजन करना चाहिए। सायंकाल भगवान शिव का, माँ पार्वती का, दोनों लोग का विधिवत पूजन अर्चन करके इनको जो है बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर को, माँ पार्वती को मंदार की माला चढ़ानी चाहिए। मंदार माला कुलिताल कायै कपाल माला अंकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तो एक माला जो है भगवती को अर्पित करना चाहिए, भगवान शंकर को बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए, भगवान शंकर को जो है माला अर्पित करनी चाहिए, सुच्छी माला अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार से विधिवत हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करना चाहिए और प्रदोष व्रत की कथा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण होती है। जय विष्णु। भोग में क्या विचार है? भोग में विशेष करके हम भगवान को जो है फल के रूप में, इस समय ऋतु फल के रूप में आम है, केला है, या भोग के रूप में, और खोआ का कोई भी मिष्ठान जो है, चूँकि व्रत है तो खोआ का कोई भी मिष्ठान भोग के रूप में हम उनको अर्पित करते हैं। उनको तांबूल जो है जरूर अर्पित करें भोग के रूप में, भोग के साथ धूप दीप नैवेद्य जो है विधिवत अर्पित करें, निराजन करें, आरती करें, और उमा महेश्वर के जो है संकीर्तन और गुणानुवाद करते हैं। जय विष्णु।